अभिनेता से नेता बनने गई राखी सावंत ने जनरल इलेक्शन में करारी हार के बाद एक बार फिर फिल्मों की तरफ रुख किया है और राखी अपनी इस नई पारी की शुरुआत मराठी फिल्म की प्रोड्यूसर बनकर करने वाली हैं, जिसके लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, लेकिन इस मौके पर भी अपने बड़बोलेपन से राखी बाज नहीं आई। पॉलिटिशियन ना सही, लेकिन हॉलीवुड फिल्मों की प्रोड्यूसर तो बनकर रहेंगी राखी सावंत। और अगर यकीन नहीं हुआ तो खुद ही सुनिए राखी कैसे अपने इस इंटरनेशनल ख्वाब को मीडिया से शेयर कर रही हैं। ये बहुत खुशी होगी आपको सुनकर कि हमारी बैनर पे एक हॉलीवुड फिल्म भी बन रही है। सुना आपने, मौका था मराठी फिल्म जय जयकार के लॉन्च का। राखी इस फिल्म से अपना प्रोडक्शन डेब्यू कर रही हैं। इस फिल्म का सब्जेक्ट यूनक पर बेस्ड है, जिसके थ्रू राखी इनकी लाइफ के हर पहलू को सेलुलॉइड पर दिखाएंगी। किन्नरों की स्टोरी है ये। जब ये फिल्म देखेंगे आप, तब आपको पता चलेगा कि हमने कभी भी इस फिल्म और इन लोगों के बारे में सोचा नहीं। गवर्नमेंट ने तो हालांकि सोचा ही नहीं है इनके बारे में। गवर्नमेंट तो सिर्फ पैसे कैसे वसूल करने इनसे, लेकिन इनका भी घर बसना चाहिए, इनके लिए भी सोचना चाहिए। तो ये पूरी फिल्म दर्शाती है, ये पूरी फिल्म की स्टोरी दर्शाती है किन्नरों के बारे में। हालांकि जब हमने राखी से पूछा कि क्या फिल्म को प्रोड्यूस करने के साथ साथ वो इस फिल्म में भी एक्टिंग करती नजर आएंगी, तो सुनिए उनका जवाब। मेरे लिए कोई रोल ही नहीं था, मेरे लिए कोई रोल ही, शैंतुली जी से मैं कहना चाहती हूँ, शैंतुली जी कोई रोल क्यों नहीं था मेरे लिए। एक्चुअली ये फिल्म बहुत अलग है, मैंने कहा ना कि उसमें सुहिता जी का जो रोल है वो रोल इस डेफिनेटली मैं नहीं कर पाती। Well, राखी ने अपनी इस फिल्म को प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और फिल्म को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट भी नजर आई। जब तक आप फिल्म देखेंगे नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा तो ये फिल्म क्या है, क्या मैसेज। आप एक बार जरूर देखिए, मैं तो मीडिया से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोगों के लिए स्पेशल हम लोग स्क्रीनिंग करवाते हैं, आप तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, आप खुद अपनी आंखों से देखिए। आप मुझे पूरा यकीन है मीडिया पर्सन खुद कहेंगे कि आपने ऐसे फिल्म नहीं देखी, इतना मैं आपको गारंटी। अब राखी के इस कॉन्फिडेंस में कितना दम है ये तो फिल्म रिलीज के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हाँ, फिलहाल एज अ प्रोड्यूसर अपनी पहली मराठी फिल्म को प्रमोट करने आई राखी ने फुल फ्लेज प्रोड्यूसर बनने की तैयारी कर ली है। मराठी फिल्म है, बंगाली फिल्म है, जो प्रतीक बब्बर, पावली दाम एंड इंद्रनील, हमारी बंगाली फिल्म, हाँ बहुत ही बढ़िया फिल्म बन रही है, वो मैं बताऊंगी बाद में, कॉन्ट्रोवर्शियल थोड़ा सा सब्जेक्ट है उसका। और एक हिंदी फिल्म बन रही है, एक पंजाबी फिल्म बन रही है, और तो और हॉलीवुड फिल्म भी राखी के एजेंडा में शामिल है। ये बहुत खुशी होगी आपको सुनकर कि हमारी बैनर पे एक हॉलीवुड फिल्म भी बन रही है। Now wait and watch, राखी को अपने इस नए वेंचर में कितनी सक्सेस मिलती है। रोहित भटनागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट E24।